हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना के साथ उपस्थित में ही पिता का धन्यवाद करते हैं, जो पिता ने हम सभी को ज्योति के बीच में जीवित रखा है, संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, जो पिता ने हम सभी को फिर से मिलाया, उपस्थित किया, इसके लिए पिता का धन्यवाद देंगे मेरे प्रियजनों। ठीक है, यदि आप दुख में हैं, तकलीफ में, समस्याओं में ग्रस्त हैं, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टूट चुके हैं, किसी बात को लेकर टूट चुके हैं, यदि आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, अपने परिवार वालों की समस्याओं को लेकर घबराए हुए हैं, तो आप रो रहे हैं या बिलख रहे हैं, ठीक है, तो पिता से बताएंगे। यीशु मसीह हमारे समस्याओं को, दुखों को, बीमारियों को जीव का त्यों कर देगा। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं, तुम्हें क्या चाहिए। यीशु मसीह हम सभी के मांगने से पहले जानता है। ठीक है, यीशु मसीह हम सभी को अपनी आँखें की पुतली की तरह संभाल के रखता है, प्यार करता है। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है, परमेश्वर ने लिख लिया मेरे प्रियजनों। ठीक है, यदि आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी शादियों को लेकर टूट चुके हैं, शादी नहीं होती है, ठीक है, तो पिता से बताएंगे। यीशु मसीह हमारी समस्याओं को, ज़रूरतों को पिता जानते हैं। ठीक है, हमें पिता से बताना, छिपाना नहीं उन समस्याओं को। ठीक है, उन ज़रूरतों को पिता परमेश्वर पूरी करेगा। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, आप रोना, बिलखना, चिल्लाना बंद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। ठीक है, प्रार्थना को लास्ट तक सुने, लास्ट में मीन बोलकर रसीव करें। ठीक है, चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं, आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करते हैं। मेरे पिता, मेरे प्रभु, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है पिता, क्योंकि आप महिमा करने के योग्य हैं, तारीफ करने के योग्य हैं, स्तुति प्रशंसा बड़ाई करने के योग्य हैं। यीशु पापा, पिता महान परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर, आप प्रणनिधि हैं पिता। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे यीशु पापा, जो आपने मेरे पिता हम सभी को मेरे प्रभु ज्योतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, कितने मनुष्य होंगे, अन्य जाति लोगों के पिता, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने परिवार वालों से बिछड़ गए होंगे प्रभु, और वह एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते प्रभु, वह एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे यीशु पापा, जो आपने प्रभु हम सभी को जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है पिता, इस संसार से चुना है प्रभु, इस संसार से चुन के अलग किया प्रभु, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं यीशु पापा। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आप महान पिता यीशु पापा, आप हर मनुष्य को देखते रहते हैं स्वर्ग से पिता, हर एक मनुष्य को देखते रहते हैं स्वर्ग से, देखते रहते हैं आपकी दृष्टि पिता, आपकी दृष्टि पिता हर एक मनुष्य को देखते रहते हैं पिता। प्रभु, वह चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी, प्रभु आप सबको देखते रहते हैं, सबको देखते रहते हैं पिता, आप उनकी संतानों को देखते रहते हैं प्रभु पिता। आप महान है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे मालिक आपको दिया गया है पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु पापा आपको दिया गया है मेरे प्रभु। मेरे पिता, आपके पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी को स्वर्ग दे सकते हैं पिता, स्वर्ग का जीवन दे सकते हैं यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम से। यस, हालेलुया। प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया है, कुड़िया पाइजों को शुद्ध किया पिता, आप यहोवा जिलावर है पिता। मेरे प्रभु, आपने महान आश्चर्य काम किए हैं प्रभु, आपके ना कोई तुल्य हुआ है और ना कोई हो पाएगा इस जगत में। मेरे प्रभु, मुर्दों को जिलाने ले, अंधों को दृष्टि देने ले, कोड़ी जपाइजों को शुद्ध करने ले यहोवा जिलावर है मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, खास दौर से प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर पिता, जिनकी शादी नहीं होती पिता, जो शादियों को लेकर टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से मेरे पिता इनका शादी का रिश्ता आने पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु, ये इधर उधर तक झाक में नालक रहने पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता, सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु पापा आपके पीछे आए हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए यीशु पापा, आप इनका जीवन संभाल लीजिए प्रभु, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए यीशु मसीह पिता। शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है प्रभु, वह फाड़ने वाला भेड़िया है, भेड़िया पिता। आपका वचन कहता है तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन और सिंह के समान से खोज में रहता है, किसको फाड़ नोच खाए प्रभु, वैसे खोज में रहता है मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप हर एक जन को आजाद करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं जिनके बीमारियां पिता, जो नाना प्रकार की बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके प्रभु, फिर वे नहीं ठीक होते मेरे समय, मेरे पिता यीशु पापा, हम चाहते हैं प्रभु आपके नाम से पिता ये चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से, हील होने पाए, फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम से, चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम से, बीमारी
बीमारियों से आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से, हीलिंग को महसूस करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता अपना चंगाई वाला हाथ, दे वाला हाथ पिता हर एक जन को छुए, पिता स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ाकर छुए हर एक जन को। पिता मेरे प्रभु प्रार्थना करते पिता, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता, जो कमाने लगे मेरे पिता परमेश्वर, पिता जो 100-200 रुपए पर प्रभु इधर उधर हाथ फैला रहे मेरे पिता आपके नाम से, पिता इधर उधर हाथ ना फैलाने पाए मेरे प्रभु। मेरे पिता सब कुछ छोड़ छाड़ के यीशु पापा आपके पीछे हैं मेरे प्रभु, आप इनका जीवन संभाल लीजिए प्रभु, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, दौड़ोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे प्रभु आपके नाम से मांगते हैं, आपके नाम से ढूंढते हैं, खटखटाते हैं इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनके घरों के परिस्थिति से उंडेल दीजिए प्रभु, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर होने पाए पिता, बहुत तेरी जयतियों को उधार देने लिए बन जाए यीशु नासरी के नाम से मेरे पिता। मेरे प्रभु आपने हमसे विशेष इतना प्रेम किया प्रभु कि आपने अपना कीमती रक्त बहा दिया पिता, आपने कूड़े खाए मार खाए पिता, पिता 49 कोड़े लगवाए गए पिता, 49 कोड़ों के साथ पिता आपका मांस तक निकल कर चला आता था पिता, आपके मुँह पर थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया प्रभु हमारे कारण, हमारे पाप के कारण पिता, इन मानव जाति के पाप के कारण मेरे प्रभु आपके ऊपर ताड़ना पड़े प्रभु, आप पिता क्रूस पर बलिदान हो गए पिता, और पिता आप तीसरे दिन जी उठे पिता, आप जीवित परमेश्वर प्रभु, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे प्रभु। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने ख्याल विचार आते हैं प्रभु, हम चाहते हैं पिता जब ही लेटे मेरे प्रभु तब इन्हें सुख की नींद आने पाए पिता, कोई गंदा कोई डरावना सपना ना नहीं पाए प्रभु पिता, ये जब ये लेटे पिता इनकी चारपाई के पास से यीशु पापा आपके लहू का आपकी दूतों का बाड़ा बांध देते प्रभु, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने लगे भविष्य न डरना मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा पिता हर जन के जीवन में आदेश देते प्रभु, आपके दास होने के नाते प्रभु, ये छोटी सी विनती को आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन और आमीन।